Welcome to the world, no heroes, villains. Hello guys, welcome to this video. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि आज की वीडियो हम मना क्यों रहे हैं। तो आज की वीडियो मनाने का कारण है, हम अपने वीडियो में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एज यू कैन सी, हमारी वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया है जो बहुत प्यारा है कि रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करो, अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं रिव्यू कर रहा है इसके ऊपर, वेटिंग ब्रो। तो ब्रो, आपके कमेंट देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डेल इंस्पायर के बारे में। चलो चलते हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हमारे स्क्रीन के सामने हम देख रहे हैं डेल की वेबसाइट खुली हुई है, जिसके ऊपर एक टाइमर चला हुआ है। अगर आपको बाय करना तो आप जल्दी बाय कर लीजिए, मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूँ क्योंकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। तो ये लैपटॉप है, आप देख सकते हैं हम स्क्रीन के सामने, इसमें दो वर्जन हमें मिलेंगे, एक तो AMD और एक इंटेल है, ठीक है। और AMD का प्राइस आपके सामने है और अभी इंटेल का प्राइस देखते हैं। ये हमारा इंटेल का प्राइस हो गया और ये हमारा AMD का प्राइस है। तो अब हम AMD के बारे में बात करते हैं, इंटेल के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। तो ये लैपटॉप हमें मिलता है दो कलर्स में, एक तो ब्लैक और एक सिल्वर। ब्लैक यहाँ पे है और सिल्वर ये रहा हमारे आगे, ठीक है। ये प्राइस हमें डिफरेंस है, सेम साइट के ऊपर प्राइस बार बार चेंज हो सकता है। इंटेल AMD में फिर चेंज हो गया, यहाँ पर स्टॉक आउट दिखा दिए इसे। चलो कोई बात नहीं, उस पर देखते बात करते हैं। तो ये आपके सामने ये सारी डिटेल्स है, वीडियो कार्ड, ग्राफिक्स, इसमें 8GB रैम है। हार्ड ड्राइव में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रैम में भी आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं, और LCD इसमें दो ऑप्शन दे रहे हैं। कलर आपको ये तीन दे रहे हैं, आप देख रहे हैं ब्लैक, ग्रीन एंड सिल्वर। कीबोर्ड आपको ये हो गया, बैकलाइट है और बिना बैकलाइट भी है, ठीक है। हम बात करते हैं मेन प्रोसेसर पे, AMD का प्रोसेसर है हमारा, जो कि रिलायबल है, जो कि मैं कहूँगा कि अगर इंटेल से अगर आप AMD जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। इसके अंदर आपको विंडो 11 मिल जाएगी, वीडियो कार्ड AMD का मिलता है इसमें, जो कि सही है, मेरे हिसाब से सही रहेगा आपके लिए। डिस्प्ले साइज़ आपने ये सारे देख ली, मेमोरी आपको 8GB मिल जाएगी इसके अंदर, और दूसरा वर्जन भी हमने वहाँ पे देखा था 8GB में, ये 2400 Hz और वो कितना था, वो भी था कहाँ पे गया, वो था 3200 Hz। तो ये डिफरेंस हो गया। हार्ड ड्राइव में आपने देखा था दो ऑप्शन थे, मैं प्रेफर करूँगा 512GB वाली SSD, और अगर हो सके तो उसके साथ हार्ड ड्राइव ले लेना क्योंकि जल्दी भर जाती है। कलर हमने इसका देख लिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलेगा, चलो अच्छी बात है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, चलो डला मिले तो। एंटीवायरस हो गया, 15 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा मैं कहूँगा क्यूफील ज़्यादा बेटर रहेगा इससे, बट ये भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं है, बट मेरे पर्सनली उस हिसाब से लगता है। और एक साल का सर्विस सपोर्ट हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। एक्सीडेंट डैमेज हमें नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। कीबोर्ड इसका बैकलाइट नहीं है, जो एक नुकसान वाली बात है। बैकलाइट मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप बैकलाइट लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिपोर्ट्स वगैरह मैं आपको नीचे दिखाई दूँगा, हम देखेंगे सीधे, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे। और स्लॉट्स वगैरह ये सारे आपको सारे मिल जाते हैं आजकल, तो चलो बढ़िया बात है। और ये हमारे वेट वगैरह हो गए इसके सारे के सारे, ठीक है, ये ज़्यादा भारी भी नहीं, अच्छा है, मेरे को सही लगा। और एल्युमिनियम की बॉडी है तो मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि प्लास्टिक वाले फिर भी टूट जाती है जल्दी, ज़्यादा दिक्कत देती है। और कैमरा भी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी सही है इसकी, इतना होना चाहिए भाई, इतने तो ज़रूरी है। स्पीकर्स वगैरह भी ठीक हैं, डिसेंट ऑडियो निकाल देंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मतलब सुनने में ऐसे ज़्यादा बेकार नहीं लगा, ठीक लगेगा। वायरलेस वाईफाई बिल्कुल ठीक है। बैटरी होगी हमारी, बैटरी से आप ज़्यादा उम्मीद ना ही रखें, क्योंकि बैटरी ठीक होती है, बट AMD ज़्यादा बैटरी भी खाता है थोड़ा, पर परफॉर्मेंस देगा आपको, अगर परफॉर्मेंस उससे देखें तो बहुत सही रहेगा, परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से देगा। 64W का AC अडैप्टर हो गया, चलो सही है। चलो अब लुक्स देखते हैं इसके, तो ये कुछ लुक्स हैं, ब्लैक कलर में काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे HDMI पोर्ट हो गया, इसका चार्ज लगने के लिए हो गया, ये दो हमारे पोर्ट्स हो गए USB वाले। और नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरी साइड भी है, इसका ऑडियो जैक है और एक USB पोर्ट मेरे ख्याल से, हाँ ये ऐसा दिखता है ऊपर से, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट साइड में इसका ये माउस पैड हो गया, और बैकलाइट इसलिए कह रहा हूँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है बैकलाइट, अच्छा लगता है भाई। और बैकसेल डिज़ाइन और मैंने बोलते, ऑडियो जैक हो गया 3.5 mm का, और कार्ड रीडर हो गया,
तो भी सही है, बहुत अच्छी बात है। और USB हो गया, ठीक है। ये देखो लोग कुछ ऐसा है, काफ़ी कम बेजल्स है जो कि लुक्स इन्हेंस कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नीचे हमारे ग्रिपिंग के लिए ग्रिप भी है तो कि स्लिपरी नहीं होगा, आप किसी भी सर्विस पर यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ईजी टू यूज़ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टाइप सी का ये पोर्ट कह रहे हैं कि दे रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें तो ऊपर फोटो में USB दिख रहा है। खैर अगर USB की जगह टाइप सी एक हुआ तो वो भी सही, क्योंकि आजकल USB वगैरह ठीक है यूज़ आता है, मैं ये नहीं कह रहा, पर टाइप सी भी चाहिए। और ये आपको दिख रहा है पूरे कितने पोर्ट्स हैं इसके अंदर, कार्ड का हो गया, USB हो गया, 3.5 का जैक हो गया, अडैप्टर के लिए हो गया, HDMI हो गया, और दो अपने USB वाले हो गए। चलो सही है भाई, USB लिख भी रखा है, चलो 7 पोर्ट्स ये सही कि इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ले लो या ये ले लो, हम ये लेना प्रेफर करेंगे, सही रहेगा। और 4K नो 4K नहीं आया ना भाई, नो को लिख रखा है यहाँ पे। चलो कोई बस नहीं, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, डिस्प्ले कनेक्ट हो जाएगी इतना ही बहुत, जैसे नॉर्मल लोग करते नहीं, बट रिसीव करना तो सही रहेगा। ये लुकिंग काफ़ी सही है इसकी, नीचे साइज काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा वेट भी नहीं है, हल्का ही यार, मैकबुक से हल्का सा भारी है अगर हम कंपेयर करें तो। और खत्म हो गया इसके बारे में जो भी लिखा हुआ था, आप बैग पैक ले सकते हैं इसके साथ, एडिशनल कीबोर्ड माउस मॉनिटर तो क्या करें, इसको यूज़ करो अपने आराम से। और ये सारी चीज़ें करा सकते हैं भाई, किसी को करानी हो तो, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होती यार, ठीक रहता, कोई इतना नहीं गिराता, सही रहता है, संभाल कर कुछ नहीं। रेटिंग वगैरह इसकी दिखा दी इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, तो कहने की बात है, सारी मतलब इस्तेमाल करके पता चलता है इंसानों कैसा कैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। मैं ये कहूँगा कि अगर 33,000 में अगर ये लैपटॉप मिल रहा है तो बहुत सही है सही में, क्योंकि इससे पहले मैं जब देख रहा था ना तो ये अलग दिखा रहा था प्राइस वैसे, खैर उस टाइम पे अराउंड 40 कुछ दिखा रहा था, बट अगर ये 23 में मिल जाता तो बढ़िया था भाई। अभी तो टेम्परेरी स्टॉक आउट दिखा दिया इसने, मैं देख रहा हूँ वनटेन वाले पे तो है 34 रेंटल नहीं, यहाँ पे भी गया उस टाइम पे था जब मैं पहले चेक मैंने करा था तो था भाई, आप देख सकते हो इसका प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, बट अगर 33 में मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, मतलब 50 से नीचे ठीक है, क्योंकि एक HP का आता है गेमिंग पर्पल कलर का लैपटॉप है, मेरे को याद नहीं आ रहा, और वो भी मतलब डिसेंट, मतलब वो सही है, वो बढ़िया लैपटॉप है, और उसमें भी AMD यूज़ होता है, और मतलब अच्छा मैंने यूज़ कर रखा वो, और उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो सही है, पर प्राइसिंग इतनी कम है अगर तो काफ़ी बेटर है, हम जा सकते हैं इसकी तरफ, सही रहेगा अगर कोई लेना चाहता है। और बजट को इंक्रीज़ करना हो तो आप HP की तरफ जा सकते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल रहेगा, फिर ये भी अच्छा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया डेल का तो इसलिए मैं नहीं बता सकता, बट ये भी अच्छा है क्योंकि डेल के बारे में हमने भी देखा है काफ़ी सही कंपनी है, तो आप जा सकते हैं इसकी तरफ, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑप्शन आपके पास, ये ध्यान से देखो इन सारे ऑप्शन आ गए आपको, प्रोसेसर के अलग अलग हैं तो सही है। AMD के साथ आपको सही पावर मिल जाएगा, डिसेंट आप सारे काम कर सकते, गेमिंग ये ठीक ठाक गेमिंग कर देगा, और कोडिंग वोडिंग तो भाई किसी लैपटॉप में कर लो सारे में हो जाती है, थोड़ा अटकता है या नहीं अटकता उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग वगैरह हो जाएगी आपके सारे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये कहूँगा इंटेल की जगह आप AMD वाला लेना, क्योंकि पावर ज़्यादा रहती है AMD में, फिर भी इंटेल में थोड़ी बैटरी चल जाएगी, थोड़ा स्मूथ रहेगा, बट AMD में आपको सही पावर मिलेगी, गो फॉर AMD, बैटरी वगैरह टेंशन ना लो, बैटरी वगैरह चलती रहती है ठीक है अपने, पर AMD की तरफ जाना मेरे हिसाब से ये ठीक परचेज़ रहेगी, लेकिन सारा से बाय करना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके लिए, लेकिन बाय। और इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ देखें तो आपको दिखा दूँ, प्लीज़ अनबॉक्सिंग दिखा दे, अगर किसी के पास अनबॉक्सिंग है तो प्लीज़ दोस्त। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर जो कि बना रखी है हमारे भाई ने ट्रू टेक अनबॉक्सिंग, मैंने जानता नहीं, बस इनकी वीडियो मैंने अनबॉक्सिंग के लिए आपको दिखाने के लिए करी, क्योंकि मैंने परचेज़ नहीं कर रखा,
तो आप देख सकते हैं चार्जर इसके अंदर, एक यूज़र मैनुअल थी और हमारे पास खुद AMD का जो लैपटॉप है वो सिल्वर कलर में हमें दिख रहा है। मैं होता तो प्रेफर करता ब्लैक कलर, खैर पर ब्लैक कलर जल्दी गंदा होता है, वैसे तो सिल्वर कलर अच्छा लगता है, ज़्यादा गंदा भी नहीं लगता कभी। तो लेट्स सी बाइक अनबॉक्सिंग, फर्स्ट लुक्स देखते हैं कैसे हैं लैपटॉप के, जस्ट बने रहे वीडियो के अंदर। पन्नी चढ़ा रखी है भाई, चलो सही है, नाइस, लुकिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है, प्यारा लग रहा है लैपटॉप। बाकी आप भाई के लैपटॉप पे देख सकते हैं, चैनल पे जाकर देख सकते हैं क्या, जो कि फोटोज़ में तो बिल्कुल वैसा ही है, SD कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, स्लीक लग रहा है, काफ़ी सही है। पीछे से ये लुकिंग है लैपटॉप की, अच्छी लुकिंग है, ये ऊपर से लुकिंग है और बोलते हैं लाइट वेट भाई बता रहे हैं, और ये लुकिंग है फर्स्ट लुक, आप देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी बड़े बड़े की पैड्स हैं, सही है, की सही है इसकी, की आपको दोबारा बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, नंबर लॉक अलग से दे रखा है जो कि अच्छी बात है। AMD के आपका ग्राफिक्स भी हो गया और आपका प्रोसेसर भी हो गया, चलो दोनों चीज़ें होगी, अच्छी बात है। और ये स्क्रीन, HD कैमरा, HDMI केबल की सारी चीज़ें, चलो हम पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फर्स्ट टाइम बूट देखना चाहेंगे इसका, हमें बूटिंग करके दिखाओ, बूटिंग हो रही है, स्पेसिफिकेशन दिखा दी भाई ने, वो तो आप जो सा परचेज करोगे वही होगा, उसमें तो वही वाली बात है, स्पेसिफिकेशन तो वही रहेगी जो आप परचेज़ कर रहे हो उस हिसाब से, पर 30,000 की रेंज में मेरे को काफ़ी सही लगा यार, काफ़ी बढ़िया यार, सही पावर दे देगा। और ये सारा CPU थ्रेड्स हो गए, बढ़िया यार, और क्या 33,000 में काफ़ी है। और गाइस आप बाकी जाके भाई के चैनल पे देख सकते हो, हम अपने एंड करते हैं वीडियो को। तो दीपक कपूर भाई, हमने आपके कमेंट पे पूरी वीडियो बना दी है जो कि आपको चाहिए थी, सो प्लीज़ आप देखिए, और ऐसे ही अगर कोई भी और किसी और चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी कमेंट्स को देखते हैं गाइस, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बनाते हैं उस पर वीडियो। आपने देखा भाई की ने बस एक दिन हुआ है और हमने वीडियो बना दी इसके ऊपर। सो गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एज यू कैन सी आपके स्क्रीन के सामने है सागर दराल। तो हमारे साथ बने रहें अगली वीडियोस के लिए, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू लव, थैंक यू।